फ्रेंड्स, दिस शदाब, वेलकम टू माय चैनल एवेंजर रांची। जैसा कि हम देख रहे हैं, ई व्हीकल्स की दिन पर दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत सारे सेक्टर काम कर रहे हैं मिलकर। उसमें से बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि ऑन रोड अब दिखना स्टार्ट हो गई है ई व्हीकल्स, जिसमें बाइक, कार, स्कूटी, ई रिक्शा वगैरह शामिल है। और ये चीज़ दिन पर दिन और बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल बहुत हाई पहुँच चुकी है और आम जनता की पहुंच से भी बहुत बाहर हो चुकी है। तो हर कोई ये चीज़ को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप कम पैसे लगाने के बावजूद भी एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ होती है। तो उसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर थे जिनका रेगुलर डिमांड था कि ई रिक्शा से रोज़गार भी बहुत लोग कमा रहे हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर पा रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पर डे उनका जो अर्निंग होता है वो 500 से 1000-1200 तक का होता है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग पहुँचने वाले हैं प्लग एंड राइड के शोरूम में और वहाँ पे बात करेंगे जो वहाँ के ऑनर हैं उनसे और जानेंगे कि प्लग एंड राइड जो ई व्हीकल्स हैं उसमें क्या बेनिफिट वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ हैं ऑटो के ऑनर और इनसे जानते हैं कि इसके बारे कुछ खासियत ये बताएंगे हमें कि ये जब से यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्या परेशानी फेस आई या क्या इसमें कुछ अच्छा ही है उसके बारे में। आपका नाम क्या हो गया भैया? शहनवाज भाई। गाड़ी कब से अपनी ये यूज़ कर रहे हैं, कब परचेज किया था? 7 महीना हो गया। 7 महीना हो गया। तो गाड़ी कैसा चल रहा है अभी आपका? ठीक चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो आप लोग क्या काम करते हैं, मतलब कि पैसेंजर वगैरह लेके चलते हैं उसमें? और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे आपका कुछ और सामान वगैरह भी लोड है, तो वो भी साइड वो भी दोनों काम करते हैं मतलब। तो दिन भर में कितना कमा लेते होंगे? 1000-1200 रुपये हो जाता। बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और पूछना है कि एक चार्ज पे कितना चलता है ये गाड़ी? 140 किलोमीटर चलता है। 140 किलोमीटर चल जाता है। और कितनी देर में चार्ज लेता है ये, फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है? 7 घंटा लेता है। ऐसे कस्टमर हैं जो ये ऑटो अभी परचेज किए हैं 9 महीना पहले, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये ऑटो के बारे में क्या क्या चीज़ ये बता सकते हैं उसके बारे में। तो भैया, आप 9 महीने से यूज़ कर रहे हैं ऑटो, तो इसमें कोई परेशानी आई आपको? कोई परेशानी नहीं। और गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? सब मतलब ठीक है गाड़ी का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेने के बाद पछता रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और दिन भर में आपका अर्निंग कितना हो जाता है? 1200-1300 के लगभग आप भी कमा हो जाता है। हाँ, वो मतलब एज पर कस्टमर के ऊपर है, जैसे कस्टमर मिल जाए। और फुल चार्ज करने पे कितना चलता है गाड़ी? 120-130 के लगभग चल जाता है। हाँ, तब तो बढ़िया है। और रात भर आप लोग चार्ज पे लगा के छोड़ देते होंगे ना? आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको फुल डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। अभी हम लोग आए हुए हैं जोहार मार्ट और यहाँ पे ई रिक्शा, साइकिल, स्कूटी और इस तरह के बच्चे के खिलौने देखने को आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं बच्चे को खेलने के लिए। ये सारा मतलब क्या है, बैटरी से? बैटरी वाला है क्या ये? बैटरी से भी है और मैनुअल भी है। अच्छा, मैनुअल डेढ़ से दो घंटा में चार्ज हो जाता है। ओ, अच्छा, सवा घंटा एक घंटा इसका एवरेज। ये रेड वाला जो है इसका क्या रेट है? ये खूबसूरत 14,000। अच्छा, और ये ब्लैक वाला? ये तीनों कार एक सेम रेट का है। अच्छा ठीक है। ये सिर्फ 1000 ऊपर का है। 1000 ऊपर इसका, यानी कि 15,000। ये भी आपका वही रेट है 14,000। ये आपका 15,000 का। इसमें क्या खास बात है? इसका भी चार्ज होता है। अच्छा, एक्सीलेटर से चलता है, ब्रेक भी है यहाँ पे। अच्छा, और ये इसका क्या रेट है? ये सेम है ना दोनों? सिस्टम है इसका चाबी का। वाह, जबरदस्त आवाज।
इसको स्विच को अपर अपर में डालेंगे, ठीक है, इसका ये आगे जाएगा। सनी जी, इसके बारे बताइए कि डीलरशिप लेने के लिए क्या करना होगा? डीलरशिप के लिए आपको जगह देखना होगा पहले, रेंट में अपना, रेंट में या ऑनरशिप में, जो भी उनके पास, जो भी उनके पास है। लोकेशन भी मैटर करता है क्या? लोकेशन नहीं, ऑल ओवर रांची भी कहीं भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप कस्टमर के ऊपर है कि कहाँ हमको खोलना चाह रहे हैं, जहाँ पे गैदरिंग हो, फुटफॉल हो, वहाँ पे। अगर डीलर लेना है तो उसमें 10 लाख रुपए लगेगा, 10 से 15 के बीच में, ठीक है। उसमें आपका जितना भी अमाउंट जो लेगी कंपनी, उसके गाड़ी देगी आपको। अच्छा, आप उसको ओपन कर सकते हैं। एक लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि आरटीओ से ये होता है, उससे इंश्योरेंस लाइसेंस में खर्च वही 25 से 30 हजार रुपए का लमसम आएगा, ठीक है। और सब डील अगर लेना है उसमें मेरे थ्रू चलना होगा, ठीक है। मेरे ही दुकान का नाम रहेगा, कंपनी का, जो हर मार्ट में लिखा हुआ है, उसी में फ्रेंचाइजी आप देंगे उसको, तो वो मेरे अंडर में रहेगा, सिर्फ उसको लेना है। बाकी जितना भी बिलिंग, ये जितना भी गाड़ी का पेपर, वो सब मैं ही दूंगा, पेपर टोटल आप टोटल मैं करूंगा, वो सिर्फ डील करेगा वहाँ कस्टमर। उसमें कितना बताया आपने, कितना लगेगा? उसमें कम से कम 2 गाड़ी का पैसा हम लोग लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 2 गाड़ी, अगर 4 गाड़ी लेना चाहे तो 4 गाड़ी का पैसा। रिक्शा का फिर भी एक अंदाज बताइए कितना लगेगा? एक 1.5 लाख रुपए एक गाड़ी का, एक गाड़ी में 1.5 लाख रुपए, तो वो अपने हिसाब से जितना उनका स्पेस हो वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, और जितना उनका बजट हो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। सनी जी, सर्विस के लिए कस्टमर को कहाँ जाना पड़ेगा? सर्विस के लिए यहाँ शोरूम भी आ सकते हैं, एक हज हाउस के पास से, कडरू हज हाउस, कडरू हज हाउस के ठीक बगल में मुस्कान ऑटो वर्क है, उसमें मेरा सर्विस होता है। चलिए, अच्छी बात है। और भी कुछ ऑप्शन है आप लोगों के पास? अगर मेन रोड में भी अगर जैसे खराब हो जाता है कुछ, तो मेरा मिस्त्री चल जाता है वहाँ पे बाइक से, उसको सही कर देते, यानी कि आप लोग होम सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया था एक और आपका फ्रेंचाइजी है कांके रोड में, कांके रोड, वो कहाँ पे? चूड़ी टोला वेयर हाउस के आस पास, वहाँ पर भी सर्विस हो जाता है। और वहाँ पे गाड़ी के भी बहुत सारे कलेक्शन है, जैसा कि आपने बताया था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। वहां ले जाकर हम आपको दिखाएंगे कि वहां पे कितना गाड़ी का कलेक्शन है, क्योंकि इनके पास यहां पर ऑप्शन जो है आप देख पा रहे होंगे, 1, 2 और 3, 4, 5 गाड़ियों के यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले। बट अगर आप कांके वाले में जाएंगे तो वहां पर आपको गाड़ी और भी देखने को मिल जाएगा, कलर के साथ, बहुत सारे मॉडल के साथ, तो आप इनसे मिलने के बाद वहां जा सकते हैं। सनी जी, अगर मान लीजिए कोई हमारे रेफरेंस से आपके पास आते हैं, यानी कि एवेंजर रांची के रेफरेंस लेके कोई आपकी दुकान पे आएंगे कुछ भी चीज परचेज करने के लिए, तो उनको क्या बेनिफिट आप लोग देंगे? उनको सबसे पहला चीज कि हम लोग जो रेट जो रखे हैं उसमें कुछ डिस्काउंट कर देंगे। चलिए, अच्छी बात है। उसमें जो गिफ्ट हम लोग जो ऑफर देते हैं दशहरा में, दुर्गा पूजा में, तो ऑफर में कुछ गिफ्ट जो होता है वो गिफ्ट हम आपके थ्रू अभी दे सकते हैं आपके लिए। चलिए, अच्छी बात है। और जैसे कि आप जान रहे हो कि रोजगार की कितनी कमी है पूरे हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा रोजगार होगा उनके लिए, क्योंकि जैसा मैंने बात किया आपके जो हैप्पी कस्टमर थे उनसे, तो उन्होंने बताया कि 1000 रुपये कम से कम मिनिमम वो लोग कमा लेते हैं, तो ये एक तरह का रोजगार भी हो गया कि महीने के वो 30,000 रुपये कमा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी अमाउंट बहुत ही कम होगा, जो ई रिक्शा को नहीं खरीद पा रहे, तो उसके लिए आप लोग क्या फैसिलिटी देते हैं? उसके लिए हम लोग टाइम दे देते हैं, उसका फाइनेंस अगर उसके पास मान के चलिए 20,000 रुपया है और उसके पास 30,000 जुगाड़ नहीं हो पा रहा उससे, ठीक है, तो उसको हम लोग टाइम दे देते हैं 2 महीना के, कि हम लोग अपने तरफ से उसको दे देते हैं। अच्छा, उसके फाइनेंस करवा देते हैं, उससे चेक ले लेते हैं 6 महीना का। अच्छा, या 3 महीना का जो भी होगा उस हिसाब से। मान लीजिए किसी का बजट वो डायरेक्ट लेकर डाउन पेमेंट करने आ रहे हैं, तो डाउन पेमेंट क्या होगा? डाउन पेमेंट उसमें 55,000 डाउन पेमेंट होता है। 55,000 किसी के पास नहीं है तो? किसी के पास नहीं है, अगर वो लोकल है जिनका आईडी का बोलते हैं रांची का है, घर अपना हो, 40,000 में भी हम लोग करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और मान लीजिए किसी के पास 20,000, तो उसमें क्या होता है कि अब कस्टमर को दिक्कत होता है कि नहीं पैसा, तो हम लोग अपने हिसाब से अपना डाल देते हैं पैसा, वो अमाउंट उसको टाइम दे देते हैं कि 2 मंथ में आप हमको दे दीजिए। ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरह का सोशल सर्विस मैं बोल सकता हूँ कि आप किसी के लिए इतना सोच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी अभी तक मैंने नहीं सुना है कि कोई इतना कर रहा हो किसी के लिए। बट आप अगर इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और इससे मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप लोगों के साथ जुड़ेंगे फ्यूचर में, और किसी के लिए भला करना भी एक अच्छी बात है कि किसी के पास अगर रोजगार नहीं है तो आपके माध्यम से वो पैसा कमा सके और अपने घर वालों का पेट पाल सकता है, तो एक बहुत अच्छा पहल है। तो चलिए कोशिश करेंगे कि और आपके पास आने के बाद उनको कुछ और बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपके लिए, उस टाइम का जो भी होगा मिल जाएगा उसको फैसिलिटीज। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कुछ और आपकी तरफ से अगर गुंजाइश हो सकता है तो आप जरूर करोगे, मगर उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा। आप एक बार एड्रेस समझा दीजिए, आपका जो शॉप का एड्रेस क्या है? मेरा शॉप का एड्रेस जी अपने व्यूअर को, हरमू रोड में धोनी का जो घर है उसके ठीक सामने एक रोड आती है, पेट्रोल पंप है उनके सामने, उसके बगल से एक रोड अंदर आती है जो दीपा टोली भी चला जाता है, और चला जाती है उसमें सेंट फ्रांसिस स्कूल है। हाँ, ये फेमस है उसको। हाँ, फेमस स्कूल है वो, बस उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो राइट साइड में मेरी शॉप का ऑन रोड मिल जाएगा। नाम क्या है? जोहार मार्ट। जोहार मार्ट है, ठीक है, आप जोहार मार्ट को देखते हुए सर्च करके आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सनी आपको मिलेंगे, उसी फिर आगे की बात आप कर सकते हैं। सनी से बात करने के बाद अभी हम लोग रुक कर लेते हैं इनके सेकंड शोरूम की तरफ। इन्होंने बताया कि वहाँ पे जाने के बाद आपको और भी अच्छे कलेक्शन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे न्यू मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, तो उसी को देखने के लिए और कैप्चर करने के लिए हम लोग अभी विजिट करने वाले हैं चूड़ी टोला कांके के पास। आप लोकेशन एक बार समझ लें कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, कि पहला पुल पड़ता है हॉट लिप्स के बाद और फिर वहाँ से हमें मुड़ना है राइट हैंड साइड पर, से हम लोग राइट मुड़ते हैं और यहाँ पर मैदान है वो क्रॉस करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लग एंड राइट का सेकंड शोरूम, और वहाँ से आपको सर्विस भी प्रोवाइड हो जाती है, प्लस यहाँ पे गोडाउन है, यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स आपको ऑप्शन और देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से बात करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम आपको अंदर ले चल के दिखाने वाले हैं यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। और इनसे बात करने पे ये भी पता चला कि बहुत जल्द सोलर पैनल वाली भी ई रिक्शा आने वाला है, जो कि जब आ जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका क्रेज़ बढ़ने वाला है, क्योंकि जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं स्टोर के अंदर और देखते हैं यहाँ पे देखने लायक हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं कांके का चूड़ी टोला और यहाँ पर है प्लग एंड राइट का सेकेंड शोरूम आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपको शोरूम भी है प्लस सर्विस भी आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं, मिलाते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट रहते हैं जिनसे आपको फुल डिटेल्स मिल सकती है इस जगह के बारे में। आइए। हेलो हेलो, हमारे साथ है मिस्टर अविनाश और यहाँ पे यही देखते हैं सारा चीज़। तो अभी हम लोग इनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या व्हीकल्स के रूप में क्या क्या ऑप्शन इनके पास मौजूद हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ई रिक्शा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ अभी मार्केट में अवेलेबल है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि पेट्रोल डीजल का जो रेट हमेशा आप जा ही रहा है, रेगुलर दाम बढ़ रहे हैं, उस कारण से लोग थोड़ा परेशान हैं। और रोज़गार से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़गार करना चाहते हैं बट उनके पास ऑप्शन बहुत कम है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर इसका रेगुलर डिमांड कर रहे थे कि कुछ ऐसा हमें दिखाइए जिससे रोज़गार भी हमें मिल सके, तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि आज इससे वीडियो शूट करते हैं। और ई रिक्शा मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन नज़र आया जो लोगों को बताने से उनको भी फ़ायदा होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अविनाश जी के साथ हैं। अविनाश जी, आपका जैसा कि यहाँ पे प्लग एंड राइड जो कंपनी में आप लोग हैं, तो इस कुछ हमें जानकारी चाहिए थी जैसे कि आप लोग क्या क्या चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हो। पहली बात तो हम लोग तीन सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने इकोनॉमिकल बात किया कि हम लोग रोज़गार के लिए भी, जैसे आपने इस पॉइंट को लाया तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे कि आप पर डे देख सकते हैं कि ई रिक्शा से जो भी जुड़ रहे हैं, ई रिक्शा से 400, 500, 600 इवन 1000 तक कमा रहे हैं, तो जो एक और अपने इकोनॉमिक के लिए भी बेटर है और अपने इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस हम लोग अभी तीन सेगमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे एक आ गया ई रिक्शा, एक स्कूटी और साइकिल, पर हम लोग भी मेनली फोकस्ड है अपने ई रिक्शा पर। और ई रिक्शा में सर हम लोग तीन तरह के सेगमेंट लाए हैं, ठीक है, और जिसमें हम लोग सर आपका अगर देखेंगे क्वालिटी वाइज तो हम लोग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है अदर से, जिसमें हम लोग ने वारंटी और गारंटी इवन इसमें सर सबसे प्लस आती सर्विस, जो हम लोग की प्रॉमिस है कि हम लोग विद इन अ डे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सर्विस के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मोस्टली आप देखेंगे मार्केट में अगर आप
पता करेंगे किसी डीलर से या किसी और भी पर्सन से जो इस सेगमेंट में है, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, अगर आप उनसे बात भी करेंगे तो उनको एक ही प्रॉब्लम आती है सर्विस लेके। और हम लोग की सर वेयरहाउस रांची में है, तो इससे क्या है कि सर्विस विद इन द डे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और इवन हम लोग के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे भी सर्विस पॉइंट बना रखे हैं हम लोगों ने। रांची में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अभी रांची में हम लोग के फिलहाल अभी दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और भी बात हो रही है। जैसे कि अभी हम लोग के पास इंक्वायरी में बहुत सारे हैं जो हम लोग अभी जुड़ने वाले हैं, और हम लोग की मंथली इस बार टारगेट भी है कि हम लोग कम से कम 500 गाड़ी इस क्वार्टर में हम लोग लॉन्च करें ओवरऑल झारखंड में। अभी हमारे साथ है जफर इकबाल जी, और ये हमें कंपनी के बारे सारा डिटेल्स देने वाले हैं। चलिए आगे की बात हम इन्हीं से करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? थैंक यू। तो मैं जफर इकबाल हूँ, इस कंपनी का फाउंडर एंड CEO प्लग एंड राइड मोटर्स का। बेसिकली हम लोग तो दिल्ली में मोस्टली होते हैं, प्लांट हमारा दिल्ली में सोनीपत में है, बट आज फॉर्चुनेटली आप लोग आए हैं तो मैं भी अवेलेबल हूँ, तो मैं कहा कि आप लोग से मिलूँ। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हम पहले अपने बारे में बता देते हैं। हमारी जो टीम है, मैं पर्सनली इलेक्ट्रिक व्हीकल में पिछले 17 साल से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, और ये कंपनी हमने फॉर्म की है पिछले 3 साल पहले, और अब हम पूरा का पूरा अपना मैं सर्विस देता हूँ अलग अलग इंडस्ट्री में। अब हमने अपना शुरू किया है, और इससे जितने भी हमने मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हैं उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया, और उसमें अब जो एंड कस्टमर है जो गाड़ी चलाता है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने। तो जैसे कि सबसे पहले हम बताएं, हमारी गाड़ियों में सबसे मेजर पार्ट होता है गाड़ी में इसकी बॉडी एंड चेसिस, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग हमारा इन हाउस है। हमारे पास जो सोनीपत में प्लांट है उसमें हम बनाते हैं। लोग क्या करते हैं मार्केट में कि वेट को कम कर देंगे दाम कम करने के लिए, तो हमने वो सारा चीज़ को पहले ही आइडेंटिफाई करके व्हीकल का एक वेट पूरा डिजाइन करके हमने बनाया है। स्टील का पूरा फ्रेम बना हुआ है आपका? हाँ, तो जो अपर पार्ट है पूरा वो स्टेनलेस स्टील का है, लोअर पार्ट पूरा CRC स्टील में बना हुआ है, जो हम अपना लिक्विड पेंट से पेंट करके देते हैं प्रॉपर। तो इसकी जो बॉडी हो गई ये पूरा हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी। इसके बाद जितने भी इसमें पार्ट हैं वो सब हमने इंडियन लोकलाइज डेवलप किया है। जैसे इसका आगे का सॉकर हो जाएगा या पीछे का डिफरेंशियल है, ये सॉकर जो है ये हमने इंडियन डेवलप किया है, क्योंकि इस रिक्शा में मोस्टली कंपनियां जो हैं वो चाइना से ला रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं और असेंबल करके दे देती हैं। उसमें जो प्रॉब्लम आता है फ्यूचर में कि उसका एक सील भी कट जाता है तो वो 500 रुपये का मिलता है, हमने इंडियन लोकलाइज किया तो वो 50 रुपये में आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो इंडियन लोकलाइज करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। जितने भी अभी जो ट्रेंड चल रहा है खासतौर से मेड इन इंडिया जी, इसको लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा इसकी तरफ, तो इससे सबको फायदा है। कस्टमर जो हमारा गाड़ी चलाने वाला है उसको भी फायदा है, हमें भी आसानी हो जाती है, और एंड ऑफ द डे गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। अभी जो चाइना वाला प्रोडक्ट है वो 1 साल से 1.5 साल में वो गाड़ी ख़राब हो जाती है, हमारा प्रोडक्ट 4 साल से 5 साल से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास में बैटरी के बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले तो मेजर दो तरह में पार्ट में बांटते हैं, एक होती है लेड एसिड बैटरी, जो पानी वाला बैटरी जनरली हम बोलते हैं आम भाषा में, और दूसरी होती है लिथियम बैटरी जो हमारे मोबाइल वगैरह में यूज होता है। तो लेड एसिड बैटरी की ज़्यादा डिमांड है क्योंकि थोड़ा सा प्राइस कम होता है उसका, और लिथियम आयन बैटरी का लाइफ साइकिल भी ज़्यादा है लेकिन कॉस्ट वाइज भी थोड़ा सा वो ज़्यादा है, इसका ऑलमोस्ट लेड एसिड के डबल ट्रिपल प्राइस के आते हैं। बेसिकली ज़्यादा हमारा जो सेल हो रहा है अभी झारखंड में जो चल रहा है वो लेड एसिड बैटरी चल रहा है। लेड एसिड बैटरी में भी कैपेसिटी है अलग अलग, तो जो स्टार्ट होती है वो 120 किलोमीटर से स्टार्ट होता है एक चार्ज में, 120 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक की लेड एसिड बैटरी हमारे पास है। कस्टमर के पास चॉइस है बैटरी का, वो कोई सा भी मॉडल में कोई सा भी बैटरी ले सकता है। अगर उनको 100 किलोमीटर डेली चलाना है तो वो 100 किलोमीटर की बैटरी लेंगे, अगर उनको चाहिए कि नहीं हमें 170 180 किलोमीटर चलाना है तो वो बैटरी देंगे। तो डिफरेंसेस कितना पड़ जाता है, रेट का क्या डिफरेंस आ जाता है? मैक्सिमम 5,000-6,000 रुपए का गैप आता है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये कि लिथियम बैटरी आदमी यूज करे, नहीं लिथियम में नहीं, लेड एसिड में 5,000 का आता है। अच्छा, उसमें आता है? हां, लिथियम में डबल हो जाता है कॉस्ट। कितना जाएगा? जैसे ये बैटरी आती है करीब 40,000 रुपए की, तो वो 80,000 की आ जाती है। 80,000, मगर उसमें फिर है कि डबल लाइफ। हाँ, तो दो लिथियम में जो सबसे ज्यादा फर्क है, एक तो है कि चार्जिंग टाइम 3 घंटे लगते हैं, लेड एसिड में 8 से 9 घंटे लगते हैं, तो लिथियम को दिन में एक बार और चार्ज करके डबल भी चला जा सकता है। और दूसरा लाइफ साइकिल जो है इसका 18 महीना है, तो उसका 36 महीना है वारंटी। क्योंकि ये सारा जो खेल है आप बोल सकते हैं कि बैटरी से जुड़ी हुई है जी, तो बैटरी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई डेली कमाना चाह रहा है अच्छे पैमाने पे, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है जो सोच है वो यही है कि लिथियम का। इसलिए हमने सारे ऑप्शन रखे हैं कि कस्टमर को जैसा भी चाहिए, कोई बहुत सारे लोग यहाँ से लोहरदगा भी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा पावर वाला बैटरी लेते हैं,
कोई लोकल ही एरिया में अगर चला रहा है तो वो थोड़ा कम कर लेता है। सीट कंफर्ट वगैरह इसका देखो। अब इसमें जो है एक सबसे मेजर चीज आपको बताएंगे, आप बहुत सारे रिक्शे में बैठेंगे तो दोनों ये पैर ऐसे लड़ जाते हैं, तो हमने ये कंफर्ट भी बनाया हुआ है कि प्रॉपर आराम से बैठ रहे हैं। मेरा हाइट भी 6 फीट है, इनका भी 6 फीट है, आप आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो 4 लोग आराम से बैठ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये छोटे 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 चीज है, बड़े अच्छा है इसका लेग, इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है और ये कंफर्ट भी लग रहा है, कुशनिंग भी ठीक है इसका। तो हमने एक एक चीज पे काम किया है ताकि कोई भी पैसेंजर बैठे उसको प्रॉब्लम नहीं आए। शॉकर वगैरह देखते हैं जी, पोजीशन भी ठीक है। अब एक छोटा सा ये होता है कि पैर रख के ब्रेक मारने में प्रॉब्लम आता है, तो हमने एक प्रॉपर वहाँ पे पैर रखने के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसके लिए ड्राइवर को भी कंफर्ट आए कि आराम से उसके ऊपर में पैर रख करके ब्रेक मार सकते हैं। मीटर कंसोल का ऑप्शन भी होगा इसमें डिजिटल? हाँ, डिजिटल में चले, ये डिजिटल ही है। अच्छा, वो बैटरी का बताता है कि इतना परसेंट बचा हुआ है और ये डिजिटल मीटर है, स्पीड वगैरह सारा इसमें बताएगा, किलोमीटर स्पीड। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखा कि ये लाइट का ऑप्शन भी भैया दे रखे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है कि नाइट विजिबिलिटी, हाँ, नाइट विजन थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको आउट साइड जाते हो ना तो लाइट कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी नहीं होती है, तो उस जगह पे ये बहुत कारगर होगा। और यहाँ पे आइए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो डिजिटल मीटर का ऑप्शन इन्होंने रखा हुआ है, ये स्पेशल डिजिटल मीटर बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये इसको टैबलेट मॉडल बोलते हैं हम, तो उस तरह का है जिसमें आपका सारा प्रॉपर बैटरी का भी कितना है, चार्ज क्या है, वो सारा इसमें बताता है। तो ये है इनका नीचे एक गोडाउन टाइप का इन्होंने बना रखा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें और देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्कूटी, तो ये हमारा स्टॉक यार्ड है, हम यहाँ से मतलब पूरे झारखंड के लिए सप्लाई करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक साइकिल भी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। ये तो काफी अच्छा है, ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे देखिए। तो ये इसमें रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का प्रोविजन है, तो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन इसमें एग्जम्प्टेड है। यहाँ पे ब्रांडिंग भी करके रखी गई है, प्लग एंड ड्राइव की। इसका चाबी नहीं है? अच्छा, क्योंकि हमारा दूसरा मॉडल है उसको बाद में, ये अराउंड 30,000 रुपीस का कॉस्ट आता है, वो 45 का है, ये 30,000 रुपीस का। ये हो गई दूसरी मॉडल, रेट का डिफरेंस क्या बताया आप? ये 30,000 रुपीस का है। अच्छा, तो कस्टमर 15,000 का डिफरेंस है जी। इसमें भी ऑलमोस्ट वही 25 किलोमीटर बैटरी पे चलेगा, पैडल से तो आप कितना भी चलो। चार्जिंग में क्या टाइम लगता है? 1 आवर्स, 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। सामने के दो मॉडल, ये मेरे हाइट वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वेट जिनका ज़्यादा है उनके लिए भी अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा, और साथ में जिनका बजट कम है तो उस पर भी जा सकते हैं। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है वो ही पर बता दीजिए। तो जनरली आजकल क्या है कि जो बच्चे चलाते हैं साइकिल उनको थोड़ा हेवी लुक में साइकिल चाहिए होता है, तो ये बल्कि लुक में हमने बनाया हुआ है। ये अभी ट्रेंडिंग टायर जो चला हुआ बहुत जी, ट्रेंडिंग टायर भी चला हुआ है और इसमें गियर्स हैं, 6 गियर एडिशनल है। अच्छा, तो वो भी है इसमें। इसमें गियर्स लगे हुए हैं, 6 गियर है मॉडल। साथ में इसमें जो बैटरी है इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, तो ये करीब 25 से 30 किलोमीटर एक चार्ज में चलती है। बिजली बिल कितना, मतलब कितना कंज्यूम कितना करती है? तो ये 1 यूनिट में फुल चार्ज हो जाता है बैटरी। तब तो अच्छी बात, 1 यूनिट यानी 5 रुपए में आप ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर चला सकते हैं। ये बढ़िया ऑप्शन। दूसरा जो मॉडल है हमारा ये थोड़ा सा लो कॉस्ट है उससे, दैट इज अराउंड 45,000 रुपीज, ये हमारा 30,000 रुपए का आता है। इसमें गियर नहीं है और इसकी बैटरी थोड़ी सी छोटी हमने की है साइज में, बट ये भी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर एक चार्ज में चलता है। ये इंडिकेशन एक बार देखना है, ये बैटरी का
इंडिकेशन है कि बैटरी कितना चार्ज है। ये ऑन कीजिएगा आप, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये बैटरी आपको दिखेगा जो कि फुल चार्ज है कि नहीं है, और इसको अगर चला के देखना है तो बस ये देखिए। तो एक्सीलेटर देंगे, बाकी पैडल से भी चलती है नॉर्मल, तो कभी बैटरी कम हो जाएगी तो कोई उसमें सोचने की बात नहीं है, आराम से पैडल। यहाँ पे बहुत सारे आपको कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है, सामने ब्लू लगी हुई है, बगल में आपकी ऑरेंज कलर है, मेहरून कलर है इसके बगल में। सर इसकी रेट एक बार आप लोग उसका बता दें, इसमें भी कोई डिफरेंसेस है या फिर ये रांची में अगर हम ऑन रोड प्राइस बात करें तो 180,000 रुपये की आती है। अच्छा, ऑन रोड प्राइस, और इसमें फाइनेंस का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, आपके सरकारी बैंक से को कोई होंगे तो उनसे एक बार हमें थोड़ा जानकारी ले लेंगे। हाँ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं रांची के। अच्छा, मैं उनसे ये एक और ऑप्शन है, नया दूसरा मॉडल है, वो आपने देख रखा था, ये दूसरा मॉडल है, इसमें आगे पूरा इस तरह का कवर किया गया है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ नीचे तक कवर, और इसका रेट है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों से, मतलब 10 से 12 हज़ार का डिफरेंस आएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फाइनेंस अगर कुछ लोग आते हैं करवाने के लिए तो सर क्या प्रोसीजर है उसके लिए बताइए। सबसे पहले उनकी आईडी चाहिए, पेन चाहिए, में क्या क्या चाहिए, आधार चाहिए। अच्छा, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, हाँ पैन कार्ड होना चाहिए, और अपना घर होना चाहिए। अच्छा, लोकलिटी, अगर अपना घर नहीं है तो, अगर रेंटर हैं तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। अच्छा ठीक है, वो प्रूफ शो करना पड़ता है बैंक में, वो तो रूल जो है रूल के हिसाब से, और उसमें 25% जाता है डाउन पेमेंट, लमसम 55,000 आता है। अच्छा, कस्टमर का, और 3 साल का EMI होता है। अच्छा, इसमें 4,000 या 45,000 के बीच में एक अमाउंट तय होता है बैंक से। कितना सेल किया है लमसम अभी तक? हाँ 60 हो चुका है, 60 सेल कर चुके हैं, तो उसका क्या मतलब किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स बढ़िया है, जितने भी हमारे कस्टमर है लेने वाले उनको पसंद है गाड़ी, गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और दूसरी चीज़ है कि सर्विस, सर्विस कैसे मिलेगा? सर्विस एक सर्विस तो यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, एक सर्विस मेरे शोरूम है आनंद मार्ग रोड अपोजिट महेंद्र सिंह धोनी हाउस। अच्छा, वहाँ पर भी? हाँ वहाँ पे है मेरा शोरूम, वहाँ पे भी सर्विस टोली के पास आपका वहाँ पे? हाँ वहाँ पे भी है, और एक कटरू हज हाउस है। अच्छा, उसके जस्ट बगल में, मतलब ये सारे ऑप्शन हैं कि कहीं भी गाड़ी लेके जाएंगे तो उनको सर्विस मिल जाएगा। तो आप लोग कुछ उनको बुक वगैरह मिलता होगा ना, तो वो लेके जाते हैं तो उनको उस तरह वो से बुक मेरे पास है, ऑनर बुक है। हाँ ऑनर बुक होगा ना, उसमें लिखा हुआ रहता है सर्विसिंग, साल में 3 फ्री सर्विसिंग हम लोग देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 महीना के ऊपर या 4 महीने। उसके बाद अगर क्या फिर कॉस्टिंग क्या लगता है? उसके बाद सर्विस का कॉस्ट है 300। हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत 300 रेट है, लेकिन ये सर्विस का है। अगर पार्ट्स में कोई दिक्कत आता है कस्टमर का या पार्ट्स टूटता है तो उसमें उसका चार्ज लगेगा जो। हाँ वो तो अलग बात है कि कोई भी अगर एक्सीडेंट कर जाता है तो उसमें तो लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नई जगह के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको उस तरह का ब्यूटीफुल कॉन्टेंट देखने को मिलते रहते हैं। Goodbye and take care.